नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ ललित। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव श्यामपुर जट में कल उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप के खांडसारी उद्योग पर पहुंचकर उन्होंने खांडसारी उद्योग का रिबन काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद मंच से बोलते हुए एक बार फिर से अपनी पार्टी के लिए लोगों से समर्थन मांगा। दरअसल आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के गांव श्यामपुर जट में बीजेपी के नरेंद्र कश्यप पूर्व राज्यसभा सांसद व भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे ने खांडसारी उद्योग यहां पर लगाया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए पिछले वर्ष उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर आना था, लेकिन तब किसी कारणवश वो वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने वर्चुअल तरीके से ही इस खांडसारी उद्योग का उद्घाटन किया था। लेकिन कल जनपद हापुड़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ तो वहां पहुंचकर उन्होंने इस खांडसारी उद्योग का भी फीता काटकर उद्घाटन किया और मंच से बोलते हुए यहां पर मौजूद लोगों से एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में समर्थन मांगा और लोगों को किसी और के झांसे में न आने की सलाह दी। जैसा सुशासन है, जैसा विकास है, चाहते हो नहीं चाहते हो, हम इस प्रकार का विकास और भी अच्छे ढंग से कर सके। आप सबका समर्थन मांगते हैं, आप सबका आशीर्वाद मांगते हैं और आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र और प्रदेश जो दोनों हमारी सरकार है, दोनों सरकारों ने एक संकल्प लिया था, सबका साथ सबका विकास। किसी से हमारी सरकारों ने भेदभाव नहीं किया और अगर हमने भेदभाव नहीं किया है तो मुझे लगता है ईवीएम मशीन में जब आप चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जाएंगे तो आप भी हमारे साथ कोई भेदभाव ना करेंगे ना करने देंगे। लोगों को आग्रह करेंगे कि हमें एक बार अवसर और दें। और आपने लगातार 2014-2000। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।